हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स के अंदर। इन्हें कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9.1 चल रही थी अपनी, उसका है अपने पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। थर्ड का फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। उसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से ट्रांसफर करते थे राइट साइड में अगर डिवीजन में होता था, या फिर लेफ्ट से राइट पर ट्रांसफर करते थे। ऐसे केस में जब ऐसे हमें मिल जाए, जब ऊपर भी x हो नीचे भी x हो, तब क्या करेंगे आप, पहले सारे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 x माइनस 2 इज लेस देन 0। क्या जाएगा, माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2। अब इसके दो केस होंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 7, फिर सेकंड है x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो 7 और 2 आए, तो इसका मीन्स हुआ कि हमारी वैल्यू जो है तो कहाँ से कहाँ लाई करा रही है। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2। अब देखो लेस देन दिखा किस पर रखा है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो लेस देन पर है ना, x इक्वल टू 2 लेस देन, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि हमने जो 7 निकाला वो ये हो जाएगा कि x इज यहाँ रहेगा आपका माइनस एक्स प्लस 7 इज लेस देन 0। तो 7 इज यानी कि x इज लेस देन 7, और इक्वल टू भी है, ठीक है, पर ग्रेटर देन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ 7 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7, माइनस साइन उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 7 बन जाएगा इस माइनस साइन के कॉमन लेने के साथ, ठीक है। यहाँ से आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस साइन उधर जा करके इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 7, जबकि इसके साथ क्या है, यहाँ पर x माइनस 7 है, x माइनस 2 है, तो इसमें इक्वल टू की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ इक्वेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर लेस देन ये ग्रेटर देन का साइन इस वाले केस में आएगा, यहाँ इस वाले केस में नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या कह रहा है कि 7 के इक्वल भी है और 7 से अबव भी है, तो ये हो गया, और एक हो गया ये है 2 से बिलो का केस है, ठीक है। 2 से बिलो के केस में क्या जाएगा, अब कहाँ तक जाएगा 2 से बिलो, इन्फिनिटी तक जाएगा, और 2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ओपन में आ गया। तो फिर x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन, यहाँ इन्फिनिटी ओपन होगा, 7 कॉमा इन्फिनिटी ओपन में, यह आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है ना। 7 तो क्लोज इंटरवल में है
और टू ओपन इंटरवल में है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, सेकंड पार्ट देखते हैं। 6x-5 अपॉन 4x+1। अब जब ये लेस देन डायरेक्ट हो गया तो दोनों को इक्वेट करा देंगे, तो 6x-5 इज लेस देन 0, तो हो जाएगा 6x इज लेस देन इक्वल टू, में ले लेंगे पहले 6x-5 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6, x इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 5/6 आ जाएगा। अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है, लगानी है, कहाँ लगानी है, ये हो गया हमारा 5/6। तो ये आएगी कौन सी वैल्यू, लेकिन राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, ये 5/6 यानी कि लेस देन पर आएगी, x की वैल्यू 5/6 से छोटी होनी चाहिए। अब आगे देखो, इसको रखते हैं, ये तो हो गया इफ इफ 4x+1 इज लेस इक्वल टू 0, एक्स 4x से इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1/4, अब देखो इक्वल तो दोनों में ही नहीं है, ये भी लेस है और ये भी लेस है, तो -1/4 से भी छोटा है ये, और इधर 5/6 से भी छोटा है ये, ठीक है। सिक्स एक्स माइनस फाइव, इसको देखें, 6x-5 लेस देन 0, तो 6x हो जाएगा 5, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें 5/6, एक्स की वैल्यू 5/6 से छोटी होनी चाहिए, यह हो जाएगा 4x-1, 4x इज लेस देन -1, एक्स इज लेस देन -1/4, एक्स की वैल्यू -5/6 से छोटी होनी चाहिए और -1/4 से छोटी होनी चाहिए, इसको बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो यह है ना, इससे छोटी